राम राम जी सभी भाइयों को। मैं बाबा रामदास, आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। उत्तर प्रदेश में हूं इस समय में, जो प्रकरण चल रहा है प्रतापगढ़ में, जो पंडित जी के परिवार के साथ जो घटना हुई है उसमें, उस क्रम में मुझे उत्तर प्रदेश आना पड़ा। इस बीच पंजाब से एक बड़ी सुखद समाचार मिल रहे हैं। पंजाब में पंजाब पुलिस ने एक बहुत बड़ा जो है अभियान चलाया है। पुलिस पूरी फोर्स को जो है वो रीडिप्लॉय किया गया है एक तरह से, और भगवंत मान सरकार ने 10,000 पुलिस कर्मियों को तो सबसे पहले ट्रांसफर किया। कहा यह जा रहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर और जो वहां का जो नशे का जो कारोबार है उसके ऊपर एक क्रैकडाउन के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो जब लंबे समय तक एक पुलिसकर्मी एक ही जिले, एक चौकी, एक थाने में या एक इलाके में तैनात हो जाता है तो उसका वहां पे जो है अपराधियों के साथ एक नेक्सस, एक नेटवर्क बन जाता है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए हर कुछ समय बाद, साल सरकारी कर्मचारी का हर साल दो साल बाद तबादला कर दिया जाता है कि वो एक ही जगह जम के लोकल लोगों के साथ उसका इतना बड़ा नेटवर्क न बन जाए। तो इस क्रम में 10,000 पुलिस कर्मियों को ऊपर से लेके नीचे तक जो है गैर जिले में ट्रांसफर किया गया। आमतौर पे पुलिस में ना डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफर होते नहीं है, जल्दी नहीं होते हैं, मतलब जिस जिले की पुलिस है वो उसी जिले में घूमती रहती है। तो यहाँ पे बताया गया कि जिले से बाहर पंजाब में जो अन्य जिले हैं, एक जिले का आदमी को 100 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है, जिससे कि उसका जो लोकल नेटवर्क है यदि कोई है तो उसे तोड़ा जा सके। तो पहला जो है एक प्रशासनिक कदम यह है। दूसरा, पुलिस ने जो है क्रैकडाउन शुरू किया है और पुलिस का, देखिए पुलिसिंग का एक बेसिक जो तरीका होता है वो कहते हैं कि पुलिस शुड बी विजिबल। अगर आपको किसी इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारनी है तो पुलिस दिखाई देनी चाहिए। तो पुलिस को दिखाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है सड़क पर नाका लगा दो। पुलिस कर्मी सड़क पर दिखाई दे तो आमतौर पर क्या होते हैं, एक वो बैरियर सा लगा के वहां पर रोक देते हैं जो भी आएगा, और आमतौर पर पुलिस जो है वो चेकिंग शुरू कर देती है गाड़ियों की, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, टू व्हीलर सबकी, आओ भाई चेक कराओ, सिंपल कुछ नहीं, गाड़ी का कागज दिखाओ लाया। तो बात यह कि आम आदमी को लगता है कि नहीं, पुलिस मुस्तैद है, पुलिस देख रही है। इसके अलावा जो रात में जो गश्त होती है तो पुलिस बोलती है कि सायरन बजाते हुए चलो, 2 किलोमीटर दूर से भी अगर पुलिस वैन या पुलिस वाली जो पीसीआर वाली मोटरसाइकिल जा रही है तो उसकी जो जो लाइट होती है वो ब्लिंकिंग, जो जलने बुझने वाली लाइट होती है लाल नीली, वो जला के चलो, 2 किलोमीटर दूर से भी वो लाइट चमकती है, सायरन बजाते चलो, बीच में सायरन बजा दो, गांव के पास से गुजरो तो सायरन बजा दो, तो गांव वाले को ये पता लगता है कि पुलिस जो है जा रही है, पुलिस गश्त कर रही है, पुलिस मुस्तैद है। तो पुलिसिंग का पहला सिद्धांत कि पुलिस दिखनी चाहिए काम करती हुई। तो उस क्रम में पुलिस ने एक बहुत जबरदस्त पूरे पंजाब में अभियान चलाया कि हर थाना क्षेत्र में थानेदार खुद शाम को जो है चेकिंग करेगा, वाहनों की चेकिंग करेगा और कागज चेक करेगा गाड़ियों के। इसके अलावा पुलिस को सब पता होता है कि नशे का कारोबार कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन बेचता है, कहां मिलता है, कौन खरीदता है, पुलिस को सब पता होता है। पॉलिटिकल विल पावर के कारण, पॉलिटिकल कारणों से सरकारें जो हैं पुलिस को खुली छूट नहीं देती। और फिर होता है कि जब पॉलिटिशियन का नेक्सस है तो पुलिस वाले का अपने आप बन जाता है। और पंजाब में बहुत भारी, बड़ी गंभीर समस्या है नशे की। तो
इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बात समझ में आई है कि विधानसभा में आपको कितना ही प्रचंड बहुमत क्यों न मिला हो, लोकसभा के चुनाव में पंजाब की जनता ने आपसे नाराजगी व्यक्त कर दी है। पंजाब में आम जनता के जो ग्रीवेंसेस हैं उसमें एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस यह है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, लचर है। पंजाब की सड़कों पर बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है, पंजाब की सड़कों पर बहुत ज्यादा जो है अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया है, अराजक तत्व हावी हो गए हैं सरकार पे, पुलिस प्रशासन पे और समाज पे। ऐसे में भगवंत मान को एक बात समझ में आई कि अगर जनता का दिल जीतना है तो लॉ एंड ऑर्डर सुधारो। आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ पूरे देश में लोकप्रिय क्यों हुए इतनी जल्दी इतने कम समय में, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की बहुत ही घटिया कानून व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया। हालांकि उनका तो मेजर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो जो वो काम करते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब सख्त कदम उठाते हैं, जैसे उनका तो भाई बुलडोजर राज है, जो गंभीर जो बड़े अपराधी थे जो माफिया थे उनको सीधा एनकाउंटर करो, ऊपर पहुंचाओ, जो मिड लेवल लो लेवल है उनके घुटने में गोली मारो। आप ये देख लीजिए कि जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आया है 4 जून को, उसके बाद 2 दिन बाद यूपी पुलिस ने एक ही दिन में 16 एनकाउंटर किए, 16। तो भगवंत मान को एक बात पता है कि लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से जब आप संभालेंगे, जब सख्ती करेंगे, पर अब उसमें एक दिक्कत है, क्या भगवंत मान जो सचमुच के जो गुंडे हैं उन पर सख्ती कर पाएंगे? भाई सड़क पे एक आदमी बाइक लेके जा रहा है, कार में जा रहा है, आपने रोक लिया, उसके 10 मिनट खराब किए, उसकी गाड़ी की तलाशी ली, हो गया जिला ऑर्डर कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल। अरे भैया ऐसे नहीं होता, जो घोषित गुंडे हैं जिन्होंने समाज में अराजकता फैला रखी है, जो बड़े सोशल ग्रुप्स हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जंगल राज मचा रखा है, क्या उन पे आप लगाम लगा पाएंगे भगवंत मान साहब, या आम पब्लिक के कागज चेक करके ही क्राइम कंट्रोल हो गया? योगी आदित्यनाथ ने जो सबसे बड़े माफिया थे उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की थी, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के ऊपर, उनके घर, उनके गुर्गों के घर, उनकी जितनी काली कमाई थी उस पर बुलडोजर फेरा था, पूरा गैंग का गैंग एनकाउंटर में साफ कर दिया। 400 बड़े गुंडे बदमाश माफिया मारे गए हैं तब जाके क्राइम कंट्रोल हुआ है। इसलिए सफाई जो बड़े सरगना है उनकी शुरू करनी पड़ेगी। तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या सबसे बड़ी क्या है? एक तो खालिस्तानी, ऊपर से गैंगस्टर्स, ये जितने कनाडा में बैठ के अपने जो गैंग चला रहे हैं ना पंजाब में, उनका उन्मूलन होगा। उसके बाद ये जो सड़क घेर के जो है पंजाब को 1.5 साल से जो बंधक बना रखा है, 10 लोग, कल मैं आ रहा था तो लुधियाना में एक लाडोवाल टोल बूथ है उस पर किसानों ने कब्जा कर रखा था, और पिछले 3-4 दिनों से टोल कलेक्शन बंद है मेन नेशनल हाईवे की। अखबारों में छपा था कि रोज 1 करोड़ रुपए टोल कलेक्शन का नुकसान हो रहा पर डे एक बूथ का। तो हम आए तो हमें वहां बस देखा कि टोल कर्मी कोई नहीं है टोल पे, और मैंने कहा किन लोगों ने कब्जा कर रखा है, किन लोगों का डिक्टेट चल रहा, तो वहां पे कोई मुझे किसान भी नहीं दिखा। तो मैंने वहां पे एक आदमी पूछा, मैंने कहा भैया वो कहाँ है किसान जत्थेबंदी जिसने इस टोल पे कब्जा किया? तो वहां दूर एक चाय की गुमटी पे 4-6 पगड़धारी बैठे थे, हरी पगड़ी वाले 4-6 बस। तो भैया
किसान आंदोलन के नाम पे, किसान यूनियन के नाम पे 10 लोगों ने पूरे पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को जो है बंधक बना रखा है। अब एक बात बताइए ना, जो ऑर्गेनाइज्ड जंगल राज है उस पे जब तक गाज नहीं गिरेगी तो आम आदमी से कंट्रोल होगा? जो जो बेअदबी के आरोप लगा के किसी निरीह आदमी को मार देते हैं, जो सरेआम कृपाने लेके घूमते हैं, जो सरेआम देश के बंटवारे की बात करते हैं, जब तक उनकी इस गुंडागर्दी पे, उनके जंगल राज पे जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आम आदमी से कि कागज चेकिंग करके क्राइम कंट्रोल होगा? हाँ, आप चाहें, अगर आपके अंदर पॉलिटिकल विल पावर है तो आप नशे को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बिकना बंद करा सकते हैं, पर उसमें भी एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या है भैया। लाखों सब्सक्राइबर हैं, लाखों, जिनको सुबह चाहिए ही चाहिए या शाम को एक डोज चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो पागल हो जाएंगे, दीवार में टक्कर मारने लगेंगे। तो अगर आप सप्लाई बंद कर देंगे भैया, पहले डिमांड बंद होगी तब जाके सप्लाई बंद होगी। जिस चीज की डिमांड है, आप टेम्परेरी अगर 2-4 दिन के लिए सप्लाई रोक देंगे तो एक तो उस चीज के अनाप शनाप रेट बढ़ जाएंगे और फिर जो सप्लायर है वो किसी न किसी तरीके से कोई न कोई चैनल खोल के सप्लाई कहीं न कहीं पे चालू होगी। अगर जो पुराना चैनल बंद कर देंगे तो नए चैनल चालू, क्यों? क्योंकि देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर, यूजर है, लाखों लोग ऐसे हैं पंजाब में जिनको डोज चाहिए ही चाहिए, नहीं होगी तो पागल दीवार में टक्कर मारने लगते हैं, पागल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, सड़कों पर उत्पात करने लगते हैं। तो अगर आपने डिमांड ही खत्म नहीं की तो सप्लाई कितने दिन रोक लोगे? तो भैया, किसी भी समस्या को समाप्त करने के लिए जड़ पे प्रहार करना पड़ता है, और वो जड़ है डिमांड। लाखों लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको कैसे करोगे? तो भैया, उनको रिहैब करना पड़ेगा, उनको रिहैब सेंटर में डाल के उनका इलाज करना पड़ता है। मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि रिहैब इतना आसान नहीं होता, उनको रिहैब सेंटर में बंद करके, या अच्छा सबका रिहैब सेंटर में रख नहीं सकते तो इनको बहुत कंट्रोल्ड मात्रा में सरकार खुद अपने हाथ से दवाई देती है कि लो तुमको डोज चाहिए ना, तो तुम किसी एजेंट से मत खरीदो, हम दे रहे हैं, हमसे लो। उसे कहते हैं सरकारी दवाई, वो एक मेडिसिन के रूप में सरकार उनको प्रोवाइड करती है। उसके लिए जगह जगह रिहैब सेंटर्स होते हैं, वहां पे एक साइकाट्रिस्ट और एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाती है, और जितने भी यूजर्स हैं वो वहां पे खुद को रजिस्टर कराते हैं और वो यूजर्स जो हैं वहां से लेके दवाई। तो इसके लिए भैया, उन लाखों जो यूजर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। भगवंत मान साहब, इतना आसान नहीं है। आपको आदत है थूक से मुष्टी जलाने की, कि कोई मान लीजिए कोई समस्या आ गई तो बोले थूक से चिपका दो, थूक से आपके दो कागज फट गए हो तो अगर थूक से भी चिपका दे तो थोड़ी देर के लिए चिपक जाता है ना, लोग चिपक गया। भैया, थूक से चिपका के समस्याएं हल नहीं होती भगवंत मान साहब। इसलिए पहले रिहैब सेंटर्स बनाइए। ये जो आपने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए ना, पता नहीं कितने हजार, और हर हर पेशेंट से जो है 72 रुपए का बिल जो बना रहे हो, और उस पे जो गोरख धंधा फर्जीवाड़ा, टेस्ट के नाम पे, दवाइयों के नाम पे फर्जी पेशेंट्स का 72 रुपया पर पेशेंट जो बिल बना रहे हैं तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक, सारी ऊर्जा तो आपकी ये थूक से चिपकाने में जा रही है, सारा थूक तो वहां खर्च कर रहे हो, है ना? फर्जी मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए जी, सारी समस्या हल होगी। अरे भैया, जो 6000 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं ना, 6000 रिहैब सेंटर्स खोलिए, तब जाके समस्या हल होगी।
तो ये आपका जितना भी ये जो एक्सरसाइज है ना, ये पीआर एक्सरसाइज है लोगों को ये बताने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं। हाँ, हम लॉ एंड ऑर्डर को लेके सीरियस हैं, इसके ऊपर होगा कुछ होगा तब वो, जब तक बाबा योगी आदित्यनाथ वाली अप्रोच जब तक नहीं आओगे। जो बड़े वाले गुंडे हैं उनका ऊपर ऊपर नु बुक करो, उनके घरों पे बुलडोजर फेरो, सख्ती से एनकाउंटर करो, 100, 200, 400 तो मारने ही पड़ेंगे। जो सड़क पे गुंडागर्दी करता है, जो जिसने जो है राज्य को बंधक बनाया है, जो ब्लैकमेलर हैं बड़े बड़े ये पॉलिटिकल ग्रुप्स है ना, इनके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। ये जो कनाडा में जो लोग बैठ के यहां कर रहे हैं ना, उनके साथ वही करना पड़ेगा। आखिर कनाडा से तो वो फोन ही करता है, बाकी तो उसके हिटमैन जो हैं वो यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं ना उस क्राइम को, तो उनके कुछ को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा और कुछ के घुटने में गोली मारनी पड़ेगी। कम से कम 1,000 ऐसे होंगे ना, तब जाके कंट्रोल होगी। पीछे एक घटना हुई थी पंजाब में, होया क्या कि पंजाब के एक छोटे से कस्बे में कनाडा में बैठे हुए एक गैंगस्टर ने फिरौती वसूल ली। एक शहर में जिसकी आबादी मुश्किल से 15,000 है, वहां पे 10 बिजनेस फैमिलीज को फोन करके 20, 30, 40 लाख और 1.5 करोड़ रुपया तक वसूली की गई। तो एक बार पुलिस ने एक्शन लिया और 12 लड़के पकड़ लिए, वो जिन्होंने फोन किए थे। तो जब उनका प्रोफाइल चेक किया तो वो फर्स्ट टाइम क्राइम करने वाले यूथ थे, 18, 20, 22, 25 साल के, जिनका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। उनसे पूछा गया, भैया तुमने क्यों किया? बोले जी हमें तो सिर्फ फोन आया था कि 20,000 रुपए मिलेंगे, खाली तू इतना फोन कर दे, सिर्फ फोन कर दे, फोन करने के 20,000 रुपए मिले। तो पुलिस ने वो 12 उठा लिए। तो उन गैंगस्टर्स ने पुलिस को चैलेंज करने के लिए शाम को जो जिनसे वसूली करनी थी ना, उनके घर पर फिर फायरिंग कराई। इट वॉज जस्ट अ चैलेंज टू द पुलिस एंड द गवर्नमेंट। ऐसे में योगी बाबा होते तो पता है क्या करते, वो जो 10-12 पकड़े थे ना, उनको पकड़ते नहीं, उनका 2-4 को था एनकाउंटर करते, वो थे पेटी क्रिमिनल थे बेशक, घुटने में गोली मारते। फिर पूरे पंजाब में बात फैल जाती कि भाई ये 20,000 रुपए के लिए जो फोन कर रहे हो ना, कनाडा में बैठे हुए गैंगस्टर के लिए जो 20,000 रुपए के लिए फोन करते फिर रहे हो ना, लोगों को धमका रहे हो, वसूलियां कर रहे हो, पुलिस गोली मार रही है। और एक बात ध्यान रखिए, घुटने में जब गोली मारी जाती है ना, फिर दुनिया में कभी कोई सोचता भी नहीं क्राइम के लिए, 20,000 के लिए कोई घुटने में गोली नहीं मरवाता। 10, 20, 50 के गोली मार दो, वो जो कनाडा वाला गैंगस्टर है ना, उसको रिक्रूटमेंट ही नहीं होगी, उसकी टीम ही नहीं बनेगी यहाँ पे, उसका गैंग ही नहीं बनेगा। तो ये जो रोड पे चेकिंग कर रहे हो ना, लाइसेंस दिखाओ जी, बेल्ट क्यों नहीं लाई, ये पीआर एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। सर क्राइम कंट्रोल करने के लिए तो योगी बाबा से ट्यूशन लेनी ही पड़ेगी। भगवंत मान जी, योगी बाबा आओ यहाँ गोरखपुर में, लखनऊ में मिलो, मिठाई का डब्बा लाओ, पैर छुए उनके, उनसे आशीर्वाद लो और बकायदा चेला बनो। वो यहाँ पे बकायदा आपको गंडा बांध, उसको हमारे कहते हैं गुरु, गुरु मानना, गुरु तारो उन्होंने, उन्होंने शिष्य बनो, गंडा बंद शिष्य। बोलो महाराज सानू भी कुछ ज्ञान दो, किदा करिए क्राइम कंट्रोल। वो दसणगे कि घुटने में कैसे मारी जाती है गोली, बुलडोजर कैसे फेरा जाता है गैंगस्टर के, तब जाके क्राइम कंट्रोल होगा। खैर साहब, देर आए दुरुस्त आए, चलो सही दिशा में उठाया, कम से कम एक कदम तो उठाया, आगे भी हो जाएगा। तो ऐसे वीडियो बनती रहेगी, तो देखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।